हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन फ्रॉम माइंड गाइस। आप इस चैनल पर डेली जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स पाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस, आज के इस वीडियो में जिस जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सिस्को कंपनी की तरफ से आ रही है। जी हाँ गाइस, सिस्को कंपनी की तरफ से इसकी ऑफिशियल साइट jobs.cisco.com पर ये रिक्रूटमेंट पोस्ट की गई है। आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट के लिए होने वाली है। एज ए इंटर्नशिप आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आई है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सभी 2021-2022 बैच के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। आप किसी भी यहाँ पर ब्रांच से हो, आप किसी भी यहाँ पर ग्रेजुएशन से हो, आपने बी कर रखा है, बी टेक, एमई, एम टेक, बी सी, एम सी ए, बी एस सी, एम एस सी, यहाँ पर कोई भी डिग्री आपके पास है तो अपने डिग्री के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। बस आप 2021 या फिर 2022 बैच के कैंडिडेट होने चाहिए। सिस्को की एफडी ब्रांच में यहाँ पर आपकी जॉब रिक्रूटमेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट है। पेज का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करिएगा। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है सिस्को कंपनी की तरफ से। बात करते हैं इसके लोकेशंस के बारे में। तो आपकी जो सिस्को की बैंगलोर में जो जॉब लोकेशन होने वाली है, टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट नन है क्योंकि एज अ फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी स्किल सेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपकी इंजीनियर फील्ड में है, सॉफ्टवेयर के लिए आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आई है। आपकी जो जॉब आईडी है 12954999 है। जॉब टाइप जो है आपकी इंटर्न के लिए आपकी जॉब रिक्रूटमेंट होने वाली है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आप मेक श्योर पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं गाइस जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेस्ट फर्स्ट के लिए एज इंटर्न आपकी जॉब रिक्रूटमेंट होने वाली है। कंपनी के बारे में और भी आपको नॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। हम बात करते हैं आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रेजुएशन से हो, सीएस एंड इलेक्ट्रिकल की डिग्री प्रिफर्ड है। अगर आपके पास सीएस की डिग्री है या फिर इलेक्ट्रिकल की डिग्री है, इस फील्ड में जितने भी ब्रांचेज आते हैं तो आपको प्रिफर्ड किया जाएगा। अदरवाइज भी कुछ यहाँ पर ब्रांच हैं जो एलिजिबल हैं, वो आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में वहाँ पर मिल जाएगा। अब फर्दर वीडियो को आगे देखिएगा, वहाँ पर हम आपको बता देंगे कौन कौन से अदर ब्रांचेज भी एलिजिबल हैं। आपके पास जावा, सी या फिर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम, स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रेड, सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग की आपके पास स्किल सेट होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में मिल गई है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। रिक्रूटमेंट जो है आपकी 2021 एंड 2022 पास आउट ओनली कैंडिडेट के लिए है। तो आप अगर 2020, 19, 18 कोई भी अदर बैच से हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज़ों को चेकआउट करने के बाद गाइस, अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस ग्रीन बटन अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे, जहाँ पर अगर आपने पहले किसी भी जॉब में अप्लाई किया है सिस्को की साइट पर, तो आप अपने ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर साइन इन करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक न्यू यूजर हो तो आप यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को एंटर करिएगा, उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करिएगा। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर जाओगे, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल को फिल करना है। पहले आपको रिज्यूमे को अपलोड करना होगा। रिज्यूमे मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, इसलिए मैं स्टेप टू में यहाँ पर चला गया हूँ। स्टेप टू में आपको अपनी डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर आप अपने डिटेल को लाइक आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, प्रिफर्ड फर्स्ट नेम, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपकी ये पर्सनल डिटेल्स हैं, आप इन्हें फिल करिएगा। हम बात करते हैं कुछ आपके यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक कि आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस एरिया में आप अप्लाई करना चाहते हो। आपको यहाँ पर कुछ इंटर नहीं करना है, बस आपको सेलेक्ट करना है आप किस फील्ड में यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हो। एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। मल्टीपल में भी आप यहाँ चूज कर सकते हो, या फिर आप जिस फील्ड में चाहते हो आप चूज कर सकते हो। सेम इसी तरह से आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। अगर आपके पास बीटेक वगैरह की डिग्री है तो आप बैचलर डिग्री में यहाँ पर चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बीए, बीएस एंड ईटीसी लिखा है, तो ईटीसी में आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन आ जाएगी। सेम अगर आपके पास एमई, एमटेक की डिग्री है तो आप एमएस, एमए या फिर ईटीसी चूज कर सकते हो। हाई स्कूल डिप्लोमा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अदर डिप्लोमा डिग्री, ट्रेड स्कूल ग्रेजुएट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप चूज करके अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिस्टेड नहीं है तो आप यहाँ पर अदर नॉट लिस्टेड पे यहाँ पर चूज करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा।
सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं, आप डिटेल में चेकआउट कर लीजिएगा। डिटेल में चेकआउट करने के बाद आपको नीचे आना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपकी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड आपकी फाइनल सबमिशन जो होगी उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ओके वगैरह कर देना है, वो 1 मिनट का काम है, आप उसे फाइनल कर सकते हो। फाइनल सबमिशन के बाद आपके पास मेल आ जाएगा फर्दर आगे के प्रोसेस के लिए, या फिर आपकी जो सबमिशन होगी उसकी यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाएगी, एक्नॉलेज कर दिया जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्स सबमिट कर दी गई है। इसके बाद आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस जो होगी गाइज, आपको यहाँ पर मेल आएगा फर्दर आगे के इंटरव्यू के लिए, जो कि आप डायरेक्ट सिस्को की ब्रांच में जाकर के इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हो अगर आपकी जो रिज्यूमे है, अगर आपकी जो डिटेल्स हैं वो इस जॉब रिक्रूटमेंट में फिट बैठती हो, मीन्स यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन थी जिसके बारे में हमने बताया है, अगर आप इसके बारे में बेसिक नॉलेज रखते हो तो आप अपने इंटरव्यू को इजिली क्रैक कर सकते हो। इंटरव्यू को क्रैक करने के बाद आपको एज इंटर्न यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल जाएगी, आप जॉब कर सकते हो सिस्को की तरफ से। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सभी 2021 एंड 2022 बैच के लिए, तो मेक श्योर आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। होप यू गाइज आप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जॉब रिक्रूटमेंट अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं, इसी तरह के जॉब अपडेट्स आपको डेली चाहिए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।